इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बरेली से आरोपी जावेद गिरफ्तार हो चुका है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, दोनों बच्चों की हत्या के बाद से फरार था जावेद, 25,000 का इनामी जावेद गिरफ्तार हो चुका है। घर वालों की एक ही मांग है, माँ की एक ही मांग है कि जावेद को पकड़कर मेरे सामने पूछताछ की जाए, पूछा जाए कि मेरे मासूम बच्चों को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया। और इसी जावेद की फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है, बरेली से इसकी गिरफ्तारी हुई है। मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये बहुत बड़ी खबर है अमित कि जावेद की गिरफ्तारी हो गई, 25,000 का इनामी। बिल्कुल सही, बदमाश जो है जावेद वो गिरफ्तार किया जा चुका है और वो बरेली से गिरफ्तार हुआ है। दरअसल बताया ये जा रहा था कि देर रात उसकी गिरफ्तारी हुई है और वो सरेंडर करना चाह रहा था बरेली के जिला अदालत में। इसके बाद पुलिस को जैसे ही इस बारे में जानकारी मिली, पुलिस ने रेड करके जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात उसकी गिरफ्तारी हुई है और जाहिर तौर पर आज जावेद को कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। उसके बाद अब जो दूसरा आरोपी गिरफ्तार हो चुका है तो हत्याकांड के मोटिव का भी खुलासा हो जाएगा। जी जी, फिलहाल शुक्रिया। कि जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है, पीएम मोदी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग भारत के मंच से पूरी दुनिया को यह मैसेज, यह संदेश दिया कि आज का भारत आतंक को सहने वाला नहीं है, बल्कि नया भारत आतंक को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज 18 राइजिंग भारत के मंच से विरोधियों पर भी जमकर प्रहार किए। अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी, आज स्थिति एकदम अलग है।